हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बिसु जॉब सेंटर। आज जिसकी अपडेट के बारे में बात करेंगे वो रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है। आगे रेलवे की बात करें उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बात करें फ्रेंड, रेलवे आज जो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में जो न्यूज़पेपर में जो आया है उसमें बताया क्या गया, देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है, रेलवे का निजीकरण नहीं, कुछ सेवाएं होगी आउटसोर्सेस, यानी पीयूष गोयल का बयान है जिसमें रेल मंत्री ने क्या कहा है आगे चल पढ़ के मैं सुना देता हूँ। नई दिल्ली पेट्रा, दिल्ली केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। यात्रियों को सहूलत देने के लिए केवल कुछ सेवाओं को आउटसोर्सिंग हो रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान संसद में बताया कि अनुमान के अनुसार रेलवे में अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपया की जरूरत होगी। सरकार के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में शीतकालीन सत्र के 5वें दिन कहा कि हर दिन बेहतर सेवा और रेलवे लाइन के लिए सदस्य एक नई मांग लेकर आते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अगले 12 साल के लिए 50 लाख करोड़ रुपया देने सरकार के लिए आसान नहीं। बजट से जुड़े कई समस्या होती है जिन्हें निपटाने के उपाय करने होते हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या के लिए हजारों नए ट्रेन शुरू करने और अधिक से अधिक सेवाओं का आवश्यकता है, निवेश का आवश्यकता है फ्रेंड। ऐसे में अगर निजी निवेश सरकार के नेतृत्व में इस क्षेत्र में पैसा निवेश करना चाहे तो इसमें गलत क्या है? विभाग का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा, इसका निजीकरण नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ कुछ सेवाओं को आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। यानी फ्रेंड, बोलने का मतलब ये है कि मतलब जो कुछ खबर आ रही थी कि रेलवे का निजीकरण होगा, सरकारी प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी हट जाएगी, प्राइवेट कंपनी आएगी, मतलब इसमें पीयूष गोयल का जो बयान है उसमें कहा गया है कि अगले 12 वर्ष में 50 लाख करोड़ रुपया का जरूरत होगा रेलवे को चलाने के लिए, जिसके लिए सरकार को मुश्किल पड़ेगी चलाने के लिए, इसलिए ही कुछ प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा जा रहा है आउटसोर्सिंग के लिए ताकि सरकार को इसमें सुविधा हो। तो और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।